मानव प्रजाति के बारे में ग्रिफिथ टेलर के अनुसार या कह सकते हैं जी टेलर ने, ग्रिफिथ टेलर ने या टेलर के अनुसार मानव प्रजाति, के वर्गीकरण का आधा, वर्गीकरण के आधा कि ग्रिफिथ टेलर ने मानव की प्रजाति को कितने भागों में विभाजित किया, उनके बारे में अध्ययन करते हैं। इसकी बात करते हैं तो ग्रिफिथ टेलर ने मुख्य रूप से दो भागों में विभाजित किया मानव की प्रजाति को। पहला शारीरिक बनावट के अनुसार, शारीरिक बनावट के अनुसार। दूसरा जनानिक एक सूत्रता के अनुसार। पहला हो गया शारीरिक बनावट के आधार पर प्रजाति का वर्गीकरण, दूसरा जनानिक एक सूत्रता के आधार पर मानव प्रजाति का वर्गीकरण। शारीरिक बनावट की या शारीरिक बनावट के आधार पर मानव प्रजाति को पुनः दो भागों में से विभाजित किया। पहला पहला बांट लिया बाहरी शारीरिक या बाहरी लक्षण के आधार पर, या दूसरा होता है आंतरिक लक्षण के आधार पर या संरचनात्मक लक्षण के आधार पर। बाहरी लक्षण के आधार में हम होंठ के आधार पर कि किसी प्रजाति के मानव के कुछ होंठ बड़े होते हैं, कुछ प्रजातियों के होंठ चपटे होते हैं, तो उसके आधार पर भी हम वर्गीकरण करते हैं। दूसरा कद के आधार पर, कद के आधार पर जो अपनी हाइट होती है उसके अनुसार भी वर्गीकरण किया गया। उसके बाद त्वचा के रंग के आधार पर, त्वचा के रंग के आधार पर भी मानव प्रजाति का वर्गीकरण किया गया। उसके बाद आंखों की बनावट के आधार पर, आंखों की बनावट के आधार पर भी इसे विभाजित किया गया। और एक और आता है मुख की आकृति के आधार पर, जो मुख जो है अपना, उसकी बनावट कैसी है, उसके आकार के आधार पर भी प्रजाति को वर्गीकृत किया गया। ये थे आपके बाहरी लक्षण के आधार पर। दूसरी बात करते हैं अगर आंतरिक में, आंतरिक में दो भागों में बांटते हैं। एक तो कह दिया नासा सूचकांक के आधार पर, जो नासा का मतलब हो गया नाक की बनावट किस प्रकार की है, लंबी है, चौड़ी है, चपटी कैसी है, उसके आधार पर। अब दूसरा होता है आपका सिरश्य के आधार पर, या कह सकते हैं हेड इंडेक्स के आधार पर, या कह सकते हैं एक और कपाल सूचकांक, कपाल सूचकांक के अनुसार मानव प्रजाति का वर्गीकरण। यह था आपका शारीरिक बनावट के आधार पर दो भागों में बांटा आंतरिक का। और दूसरा होता है जनानिक, जनानिक एकसूत्रता में ये चीज जानने के, इसमें सिर्फ एक चीज को हम शामिल करते हैं मुख्य रूप से, रक्त समूह को, कि रक्त समूह के हिसाब से या रक्त समूह के आधार पर मानव प्रजाति को भी विभाजित किया जाता है। रक्त समूह की बात करते हैं, मुख्य रूप से चार प्रकार के
मानव में रक्त समूह पाए जाते हैं। एक आता है ए ग्रुप या ए ब्लड ग्रुप का मानव, दूसरा बी ग्रुप के, तीसरा ए बी और चौथा ओ। मुख्य रूप से मानव में चार प्रकार के ही ब्लड ग्रुप या रक्त समूह पाए जाते हैं, ए ग्रुप, बी, ए बी और ओ ग्रुप, जो विभिन्न प्रकार की जो प्रजातियां हैं। ऐसा कोई जरूरी नहीं है कि सभी प्रकार की प्रजातियों में यह रक्त समूह बराबर पाए जाते, नहीं है। किसी प्रजाति में ए ग्रुप ज़्यादा पाया जाता है तो किसी में बी, या किसी में ए बी पाया जाता है, या किसी किसी प्रजाति के मानव में ओ ग्रुप की भी अधिकता होती है। अब हम इस टेबल को थोड़ा सा विस्तारपूर्वक अध्ययन करते हैं कि शारीरिक बनावट के आधार पर, जो बाहरी जो होंठ के आधार पर हैं, कद के आधार पर हैं, या त्वचा के रंग के आधार पर हैं, ये किन किन प्रजातियों के बारे में अपन बात करते हैं। पहला बात करते हैं सबसे पहला कि बाहरी लक्षण के आधार पर, यानी कि बाहरी लक्षण के आधार पर जो बिंदु लिए हैं उनको थोड़ा सा विस्तारपूर्वक अध्ययन करते हैं। बाहरी लक्षण में हमने सबसे पहला पढ़ा होंठ के आधार पर। बाहरी लक्षण में सबसे पहले क्या कहा? होंठ के आधार पर। यो मानव के या मानव प्रजाति में जो लोग हैं, निवास कर रहे हैं, उन लोगों में किसी के होंठ बहुत फूले हुए होते हैं, किसी के थोड़ा चपटे से होते हैं। तो होंठ के आधार पर भी मानव प्रजाति को विभाजित किया जाता है। जैसे उदाहरण की बात करते हैं अपन, जो निग्रोइड लोग की प्रजाति हैं, जो निग्रोइड प्रजाति के जो लोग हैं, या कह सकते हैं पश्चिमी अफ्रीका के पास में जो जो प्रजाति निवास करती हैं, उन लोगों के जो होठ हैं या उस मानव प्रजाति के जो होठ हैं वो क्या होते हैं? मोटे होते हैं। होठ क्या होते हैं? मोटे होते हैं। कौन से? निग्रोइड प्रजाति के लोग। निग्रोइड प्रजाति के जो पश्चिमी अफ्रीका के पास में जो प्रजाति पाई जाती हैं उनके होंठ क्या होते हैं? मोटे होते हैं। दूसरा, होंठ के आकार के आधार के बाद में दूसरा आता है आंखों का रंग या उसकी बनावट। दूसरा, आंखों का रंग व उसकी बनावट के आधार पर। आंखों का रंग, सोचो सर आंख तो क्या फर्क होती है? आपने देखा होगा किसी की आंखें बिल्कुल काली होती हैं, किसी की आंखें भूरी सी होती है, किसी आंखें देखिए आपने नीली आंखें होती हैं। तो उसकी बनावट के आधार पर भी हम प्रजाति का वर्गीकरण कर सकते हैं। तो इसमें देखें जो काली पुतले की जो आंखें हैं, जो काली जिसमें जो अपने ये आंखों के जो अंदर वाले जो पुतले दिख रही हैं उनके रंग की बात कर रहा हूँ, काली पुतले की जो आंखें हैं उसके आधार पर जो प्रजाति होगी वो कौन सी होगी? निग्रोइड प्रजाति के लोग। निग्रोइड प्रजाति के लोगों की जो आंखों का रंग होता है वो क्या होता है? काला रंग होता है। दूसरी बात करते हैं अपन, सफेद, सफेद नहीं कह सकते अपन, नीली, नीली पुतली जो होगी, नीले रंग का जो होगा वो होगा मुख्य रूप से जो काकेशियन, काकेशियन प्रजाति के जो लोग हैं, काकेशियन, काकेशियन या काकेशाइड प्रजाति के लोग हैं, उनकी आंखों का रंग कैसा होता है? नीला होता है। काकेशियन प्रजाति के जो लोग हैं मुख्य रूप से यह यूरोपियन कंट्रीज में होते हैं। कहाँ होते हैं? यूरोपियन, जो गोरे लोग होते हैं उनके बारे में बात कर रहा हूँ। और तीसरा बताएं आप, कह सकते हैं नीली भी कह सकते हैं, भूरी भी कह सकते हैं। भूरी के दो, नीली के दो, या के दो, आंखें जो होती हैं बिल्कुल अध खुली होती हैं। आंखें जो क्या होती हैं? बिल्कुल अध खुली, अध खुली आंखें हैं। ये मुख्य रूप से मंगोल प्रजाति के जो लोग हैं, मंगोल प्रजाति के जो लोग हैं उनकी जो आंखें क्या होती हैं? बिल्कुल जैसे अपन देखा होगा चीन के लोग, जापान के लोग, उनकी देखिए आंखें बिल्कुल अध खुली सी रहती है, बिल्कुल हंसते तो आंखें उसको क्या होती है? बिल्कुल दब जाती है, उसको बिल्कुल बंद हो जाती है।
तो ये हो गया आपका आंखों की रंग या उसके बनावट के आधार पर तीन प्रकार बता दिए। अगली बात करते हैं तीसरा, तीसरे की बात कर रहे जाते हैं मुख की आकृति के आधार पर, मुख की आकृति के आधार पर प्रजाति का वर्गीकरण। कि मुख की बनावट के आधार पर की बात करते हैं तो किसी प्रजाति का जो जबड़ा है उभरा होता है, किसी का बिल्कुल मध्यम रूप से होता है और किसी का बिल्कुल जबड़ा कम उभरा होता है। तो कह सकते हैं उभरा जबड़ा या दूसरा मध्यम जबड़ा या कम उभरा जबड़ा, ये बात कर रहे हैं, जो इस जबड़े की बात कर रहे हैं। जो सबसे पहले उभरा जबड़ा के जो लोग हैं वो प्रजाति होगी आपकी निग्रो प्रजाति के लोग। निग्रोइड प्रजाति के जो लोग हैं उनका जो जबड़ा क्या होता है उभरा होता है, और मध्यम की बात करते जाता है मंगोल के, मंगोलाइड प्रजाति के लोग, और कम उभरा जो होगा वो क्या होगा काके साइड प्रजाति के लोगों का जो जबड़ा क्या होता है कम उभरा हुआ होता है। ये थे मुख्य आकृति। अगले बात करते हैं चौथा, शरीर के कद के अनुसार, शरीर का जो कद है, शरीर के कद या हाइट के अनुसार भी प्रजातियों का वर्गीकरण करते हैं। ये मुख्य आधार मानते हैं इसमें कि हाइट के की बात करते हैं, इसमें आता है क्या है नाटा कद मतलब बिल्कुल छोटा कद, इसमें कह सकते हैं लगभग 160 सेंटीमीटर से कम जिनकी हाइट होती है उसे अपन नाटा के रूप में कहते हैं। इसमें मुख्य प्रजाति होती है पिग्मी जनजाति। कौन जनजाति होती है? पिग्मी जनजाति। पिग्मी जनजाति अपने अफ्रीका महाद्वीप में, मध्य अफ्रीका के आसपास में पिग्मी जनजाति होती है। नाटक के बाद में या नाटक अद में या उसके बाद बात करते हैं अपन तो मजला कद। कौन सा आएगा? मजला कद या मध्यम मजला। मजले कद की बात करते हैं तो कितना सेंटीमीटर आदमी ऊंचा होता है, रख सकते हैं 160 से लेकर के 165 सेंटीमीटर, 160 से लेकर के 165 सेंटीमीटर जिन लोगों की लंबाई होती है उसे मजले कद या मीडियम हाइट के रूप में इसे पहचान सकते हैं। इसमें जो खिड़की जनजाति है, खिड़की प्रजाति के जो लोग हैं खिड़की जनजाति कह सकते हैं, जो मलेशिया या पूर्वी सुमात्रा के पास में जो जनजातियां या सॉरी जो प्रजातियां पाई जाती हैं वो इसमें मजले मान जाएगी। और तीसरा जो होता है आपका लंबा कद के प्रजाति के लोग, इसकी बात करते हैं लगभग आता है 165 से 170 सेंटीमीटर जिनकी लंबाई है वो आते हैं आपके लंबे कद के अंतर्गत। इसमें बात करते हैं जो होटेंटाट प्रजाति जनजाति है, एक होती पापुआन जनजाति के लोग जो हैं इनके लंबे कद में से पहचाना जाता है। और लास्ट जो आता है आपका वो आता है बहुत लंबा कद। इसमें लंबाई की बात करते हैं तो 170 सेंटीमीटर से अधिक प्रजाति के लोग या उसकी जो लंबाई होती है 170 सेंटीमीटर से अधिक माने जाते हैं, जिनमें मुख्य से निग्रोइड जो लोग हैं, निग्रोइड प्रजाति के जो लोग हैं या कह सकते हैं अफगान जो लोग हैं उनकी जो लंबाई है सबसे ज़्यादा 170 से अधिक मानी जाती है। ये था आपका शरीर के कद के आधार पर। अगले बात करते हैं अपन तो त्वचा के आधार पर। त्वचा के रंग के आधार पर
रंग के आधार पर, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। त्वचा के रंग के आधार पर तीन भागों में बांटते हैं। एक कहते हैं काला रंग, श्याम से बोलते हैं, एक होता है पीला रंग, पीला रंग, और एक होता है श्वेत रंग। इनकी हम बात करते हैं, जो काला रंग जो है किन प्रजाति के लोगों में होता है, वो होता है निग्रोइड, और पीला रंग जो आपका मंगोलाइड प्रजाति के लोग, और श्वेत रंग जो है आपके वो हो गए काकेसाइड लोग, काकेसाइड प्रजाति के जो लोग हैं उनका जो कलर है कितना होता है, श्वेत होता है या व्हाइट कलर का होता है। अब जो कह रहे हैं, जो काला रंग के लोग हैं या पीले रंग के लोग हैं या श्वेत रंग के लोग हैं, वो क्यों हैं, देखें थोड़ा सा इसमें। जो काले रंग की बात कर रहे हैं अपन, तो काला रंग अधिक क्यों है, एक होता है जलवायु प्रभाव, अत्यधिक धूप में रहेंगे तो काला रंग हो जाएगा, लेकिन वह क्यों होता है उसका भी कारण है, जिसमें हीमोग्लोबिन की अधिकता होती है। किसमें, जिसमें हीमोग्लोबिन के जो अधिकता होती है उन्हें हम कह सकते हैं उसका रंग क्या हो जाएगा आपका, श्वेत अंधा। हीमोग्लोबिन की जो अधिकता होती है उसमें क्या होगा, श्वेत रंग या काले प्रजाति होंगे आपके। और काले रंग की बात कर रहे हैं अपन, तो काले रंग में क्या होगा, मेलेनिया तत्व जो होता है, मेलेनिया इसकी अधिकता होने के कारण जो त्वचा का रंग क्या होता है, काला होता है। और पीला रंग के लिए क्या होता है इसमें, केरोलिन, केरोलिन जो तत्व होता है उसकी अधिकता होने से वह लोग या उस प्रजाति के लोगों का कलर क्या होता है, पीला होता है। सामान्य रूप में जान लें काला रंग होता है निग्रोइड होता है, पीले का होगा मंगोलाइड, और जो श्वेत रंग के जो प्रजाति लोग होते हैं कौन से होते हैं, काकेसाइड प्रजाति के लोग होते हैं। उसके बाद में एक और होता है बालों की बनावट के आधार पर, बालों की बनावट के आधार पर प्रजाति का रूपण। आप सोच रहे हो बालों की बनावट के आधार पर कैसे होगा, बालों की बनावट में देखते हैं अपन, आपने कई बार मूवी वगैरह में या टेलीविजन में देखा होगा, किसी प्रजाति या किसी मानव समूह के बाल बिल्कुल बारीक होते हैं, छोटे छोटे से होते हैं, किसी के घुंघराले होते हैं, किसी के बिल्कुल सिल्क जैसे बाल होते हैं। तो बालों की बनावट के आधार पर भी प्रजाति को वर्गीकृत कह सकते हैं, जिसके लहरदार बाल हो बिल्कुल जैसे लहर पड़ी हुई हो, या कह सकते हैं बिल्कुल जिसके सिल्की बाल हो या गूथे हुए बाल हो, बिल्कुल बारीक बाल हो, उनके आधार पर भी प्रजाति के मानव समूह का वर्गीकरण किया जा सकता है। ये थे आपके मुख्य, क्या था आपके, ये थे सारे की बाहरी बनावट के आधार पर प्रजाति का वर्गीकरण। अब बात करते हैं दूसरी, शरीर की जो या शारीरिक बनावट का दूसरा पार्ट बताया था मैंने, आंतरिक संरचना के आधार पर भी वर्गीकरण बताया मैंने आपको। इसमें मैंने दो प्रकार बताया, एक बताया नासा सूचकांक के आधार पर भी वर्गीकरण किया जा सकता है, कैसे, नासा सूचकांक या नाक की आकृति, नासा सूचकांक या नाक की आकृति के आधार पर भी प्रजाति को वर्गीकृत किया जाता है। उसके लिए हमको ये चीज मालूम होना चाहिए कि जो नासा सूचकांक किस प्रकार से ज्ञात किया जाता है, उसकी सबसे एक सूत्र है उसका, नाक की चौड़ाई बटा नाक की लंबाई इंटू 100। ये सूत्र के माध्यम से जो सूचकांक आएगा उसे क्या कहेंगे, नासा सूचकांक कहेंगे, या नाक की आकृति से निकाली जा सकती है कि नाक की चौड़ाई कैसी है, नाक की लंबाई कैसी है, दोनों को भाग करके इंटू 100 करेंगे तो सूचकांक आ जाएगा। इसमें सूचकांक की बात करते हैं तो 80 से अधिक, 80 से अधिक सूचकांक, और दूसरी बात करते हैं 80 के बाद आता है 75 से 80, और तीसरा आता है
75 से कम। ये नासा सूचकांक की बात कर रहे हैं कि जो 80 से अधिक जिसका नासा सूचकांक होगा वो किस प्रजाति के लोग होते हैं, वो होंगे आपके निग्रो प्रजाति के लोग। कौन से होंगे? निग्रो प्रजाति के लोगों का जो नासा सूचकांक या ना क्या करती है वो किस होगी? 80 से अधिक होगी। दूसरी बात करते हैं, 75 से 80 जो नासा सूचकांक है वो मुख्य रूप से होगा मंगोलाइड प्रजाति के लोग, मंगोलाइड प्रजाति के लोगों का जो नासा सूचकांक कितना होता है? 75 से 80 होता है। अब तीसरा कौन सा बचा 75 से कम वाला? वो होता है आपका काकेशियन प्रजाति के लोग, काकेशियन प्रजाति के लोगों का जो नासा सूचकांक है या ना क्या करते कैसे होती है अभी 75 से कम होती है। ये था नासा सूचकांक। दूसरा और आता है कपाल सूचकांक। दूसरे सूचकांक की बात करते हैं तो कपाल सूचकांक या अंग्रेजी में कहेंगे सेफलिक इंडेक्स या एक और कहते हैं शिरस्य, शिरस्त सूचकांक रूप में भी इसे संबोधित करते हैं। इस सूचकांक को निकालना सूत्र, सिर की चौड़ाई बटा सिर की लंबाई इंटू 100। तो इससे क्या हो जाएगा? कपाल सूचकांक निकल जाएगा। सिर की चौड़ाई में सिर की लंबाई का भाग देना, ये सिर जो है कि चौड़ाई और लंबाई दोनों भाग देके इंटू 100 करने से क्या हो जाएगा? कपाल सूचकांक से ज्ञात हो जाएगा। कपाल सूचकांक की बात करते हैं तो इसमें भी किसी प्रजाति का कपाल सूचकांक अधिक है, किसी प्रजाति का कम है। यह बात करते हैं कि जो अत्यधिक बड़ा है कपाल सूचकांक या मध्यम है या छोटा है कपाल सूचकांक, उसको भी अपन अन्य नामों से इसे समझ करते हैं। जैसे कह सकते हैं जो लंबे सिर वाले जो होते हैं, लंबे सिर वाले या लंबे जो सिर सूचकांक होगा उसे बोलेंगे डोलिचो सेफलिक। क्या बोलेंगे? डोलिचो सेफलिक, डोलिचो सेफलिक। इसको क्या कहें? लंबे सिर वाले जो होते हैं। और दूसरा होता है आपका मेसोसेफलिक, मध्यम सिर वाले जो लोग उसको बोलते हैं मेसोसेफलिक के रूप में जानते हैं। और तीसरा होता है ब्राचिसेफलिक, इसमें होते छोटे सिर वाले प्रजाति के लोग। ये थे आपका कपाल सूचकांक। निकाल सूत्र बता दिया, सिर की चौड़ाई बटावा सिर की लंबाई इंटू 100 से करेंगे तो ये आ जाएगा आपका लंबे सिर वाले लोग आ जाएंगे, मध्यम सिर वाले लोग आ जाएंगे या छोटे सिर वाले लोग इसमें आ जाएंगे। ये था ग्रिफिथ टेलर के अनुसार शरीर की बनावट को दो भागों में अपन ने विभाजित किया था। एक बात की थी बाहरी शारीरिक लक्षण के आधार पर बात की, और एक बताया अपन ने आंतरिक शारीरिक लक्षण के रूप में से चर्चा की। और दूसरा जो बताया मैंने जननिक एक सूत्रता के आधार पर भी इसे वर्गीकृत किया जाता है। इसमें मुख्य रूप से हमने ये बात की इसके ब्लड ग्रुप को अपन थोड़ा डिसाइड करेंगे कि ब्लड ग्रुप ए ब्लड ग्रुप, बी ब्लड ग्रुप, सी ब्लड ग्रुप या डी ब्लड ग्रुप तो होता नहीं है, सी बी नहीं होता है, ए बी और ओ। ये चारों ब्लड ग्रुप के लोग अन्य अन्य प्रजातियों में किन कहाँ पर ज़्यादा पाते हैं इसकी बात करते हैं। एक सारणी के द्वारा समझेंगे कि इस सारणी में देखते हो तो जो अमेरिकी जो प्रजाति के लोग हैं या रेड इंडियन से जो लोग हैं उनकी बात करते हैं तो सबसे ज़्यादा अमेरिकी प्रजाति में रेड इंडियंस में जो लोग हैं उनमें सबसे ज़्यादा जो बात करते हैं वो ओ ब्लड ग्रुप के लोग ज़्यादा निवास करते हैं, और जो ए बी ग्रुप के लोग उस बिल्कुल नहीं के बराबर होते इसमें, और ए ग्रुप के लोग और बी ग्रुप लगभग दोनों बराबर होते हैं। दूसरी बात करते हैं हम लोग कि
यूरोपियन जो है, यूरोपियन के उत्तर दक्षिण पूर्व पश्चिम क्षेत्रों की अपन बात करेंगे तो इसमें यूरोपियन की बात कर रहे हैं, इसमें जो जैसे आंग्ल प्रदेश है, स्वीडिश प्रदेश है, ग्रीस प्रदेश है, या जो रूसी प्रदेश है इनकी बात कर रहे हैं। इनमें मुख्य रूप से बात करते हैं तो ज़्यादातर या तो एक ब्लड ग्रुप के लोगों का निवास ज़्यादा है या ओ ब्लड ग्रुप के लोग ज़्यादा निवास कर रहे हैं, या प्रजाति के लोग उन क्षेत्रों में पाए जाते हैं। अगली बात करते हैं तो यह आता है अफ्रीकी। अफ्रीकी में मुख्य रूप से पिग्मी प्रजाति को लिया, पिग्मी जनजाति के बारे में बात कर रहे हैं तो इसमें सबसे ज़्यादा की बात कर रहे हैं, या सबसे ज़्यादा तो नहीं कह सकते हैं कि कुछ तो आपके ए ग्रुप के होंगे, कुछ बी ग्रुप के होंगे, और ए बी दोनों के ग्रुप के लोग बहुत कम मात्रा में हैं। और सबसे ज़्यादा बात करते हैं इसमें तो लगभग कह सकते हैं ओ ग्रुप के लोग ज़्यादा होते हैं, लेकिन ए बी और ओ लगभग तीनों ही बराबर रहते हैं और ए बी ग्रुप के कम लोग निवास करते हैं। और चौथा आता है आपके एशियाई समूह के लोग जो हैं, एशियाई प्रजाति में जो आएंगे आपके एशियाई प्रदेश में जो जनजाति निवास करती है या प्रजाति निवास करती हैं उनके ब्लड ग्रुप की अपन बात करते हैं तो ये आएगा कि इसमें भी ए ग्रुप के लोग ज़्यादा और ओ ग्रुप के लोग ज़्यादा हैं, और इसमें भी जो चीनी जो लोग हैं, चीनी और जापान लोग हैं, उनमें बी ग्रुप ब्लड ग्रुप भी ज़्यादा भी पाया जाता है। और थोड़ा सा इनकी तीनों की ए बी और ओ की अपेक्षा जो ए बी ग्रुप हैं वह कम मात्रा में पाया जाता है। ये शग्रुप था, यह था आज का टॉपिक। ग्रिफिथ टेलर के अनुसार मानव प्रजाति को वर्गीकरण करने का क्या क्या आधार थे उनके बारे में हम लोगों ने विस्तार से अध्ययन किया। इस टॉपिक संबंधी आपके मन में कोई भी कन्फ्यूज़न हो तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में शेयर कर सकते हैं, और फिर भी मान लो समस्या आती है तो आप कॉन्टैक्ट नंबर में बात कर सकते हैं। माई कॉन्टैक्ट नंबर 9783216105, ये व्हाट्सएप नंबर भी है, आप इस कॉन्टैक्ट नंबर पर आप बात कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।